हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल। और यह देख सकते हैं मेरे सामने है बजाज पल्सर 150 ओल्ड मॉडल का है, PS3 का है, UG3 बोलते हैं इसको। तो ये देख सकते हैं इसका शॉक एब्जॉर्बर का ऑयल सील जो है, ये लीकेज का प्रॉब्लम है इसमें, ये ख़राब हो चुका है। और इसका ये डिस्क ब्रेक, ये देख सकते हैं इसका डिस्क ब्रेक का जो ये व्हील सिलेंडर होता है, इसका जो एयर छोड़ने का जो नट होता है, हवा छोड़ने का, ये देख सकते हैं ये टूट चुका है। तो अभी ये बेकार है, कोई काम का नहीं है, ये ख़राब हो चुका है, ये टूट गया है। तो इसको हम चेंज करेंगे और इसका ऑयल सील भी चेंज, ये देख सकते हैं इसका ब्रेक तो पूरा ऑयल गिर गया है, तो इसमें कुछ नहीं है, अभी ब्रेक नहीं होता है। तो इसको चेंज करेंगे और ये देख सकते हैं इसको खोला है, ये पुराना वाला है, जो टूटा हुआ है ये तो पूरा बेकार हो चुका है। इसको अभी कबाड़ में डाल देंगे और इसको नया लगाएंगे। अभी ये देख सकते हैं मैंने नया मंगाया है, ये पूरा सेट है, इसमें आपका ये डिस्क का जो पैड होता है, पैड भी लगा हुआ होता है, पूरा फिटिंग आता है इसमें। तो इसको बस ऑयल डालना है फिटिंग करके। तो आप देखते रहिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी बजा के रख के, ताकि आपको नया नया वीडियो मिलता रहे। तो इसका ऑयल जो है, ऑयल सील जो है, ये भी फिटिंग हो चुका है, इसको फिटिंग कर दिया और ये अभी इसको लगा के ऑयल डालेंगे, फिर चेक करेंगे इसको। खोल के अभी ऑयल डालते हैं। ये जो मास्टर सिलेंडर है ये ठीक है और इसमें अभी ऑयल डालेंगे खोल के। इसका कलर भी पूरा जा चुका है, मैंने इसको ऑयल डाला है, ये देख सकते हो ब्रेक भी हो चुका है, पड़ रहा है अभी ब्रेक, ये देखिए थोड़ा थोड़ा जाम आ रहा है, ये छोड़ देगा, ये जो डिस्क का जो प्लेट है ये मतलब घिस गया है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है जाम का। और ये देखिए मैंने इसको कलर भी कर दिया ब्लैक, अभी नया लग रहा है मास्टर सिलेंडर। और ये देखिए ये अभी तो ब्रेक हो चुका है, ब्रेक ऑयल भी डाल दिया। और ये पुराना वाला है, तो इसका कोई काम नहीं है, अभी हमारा काम हो गया, इसको बना दिया हमने। देखिए ये ऑयल सील ये भी हो गया।